मस्तुभ्यम जय माँ मंगला गौरी सावन महीने का मंगलवार माँ मंगला गौरी को समर्पित होता है जो भक्त लंबे समय से विवाह की अड़चन से जूझ रहे होते हैं मनचाहा विवाह नहीं है पति पत्नी में प्रेम नहीं है और खासतौर पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो माता रानी सब कुछ देने को तैयार हैं बस सरल से कार्य आपको माता रानी के लिए करने हैं भाग्य बदल जाएगा रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी भले ही उपवास नहीं करते हैं तो भी इन सरल सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करें भाग्य चमकेगा रोग कष्ट संकट पीड़ा जो परिवार में लंबे समय से आपको परेशान कर रही है उनका निदान होगा और हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा तो कमेंट्स में जय माँ मंगला गौरी या श्री सिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा साल भर में आने वाले यह सावन महीने के अद्भुत दिन है आप जानते होंगे जो पहला आपको सरल उपाय करना है वह इस तरह से करना है जो कि आपको बहुत अधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा जैसे मंगलवार की धातु लाल रंग की होती है तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप लाल रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने आप इसके साथ ही थोड़ा सा जो है उपाय करने के लिए यह उपाय आप सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं जैसे क्रोध बहुत अधिक आता है तो कर सकते हैं बच्चे चिड़चिड़ स्वभाव है तब कर सकते हैं मंगल दोष है तो भी कर सकते हैं कुल मिलाकर शास्त्रों में कहा जाता है मंगल ग्रह गलत अवस्था में होता है तो व्यक्ति भ्रमित होता है और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता और रक्त संबंधी परेशानी भी होती है तो उपाय करने के लिए एक लोटा आपको जल लेना है ठीक है यह सिर्फ मंगला गौरी व्रत के दिन ही उपाय किया जाता है एक लोटा आपको जल लेना है उसमें डाल देना है शहद शहद जो कि लाल रंग का होता है और अपने आप में अद्भुत होता है और पूजा की थाली में आपको रख लेना है एक लाल फूल जल के लोटे में शहद डालकर एक लाल फूल कोई सा भी ले लीजिए सबसे सुंदर तो गुड़हल का फूल गुरुजी ने कहा है वही गुड़हल का फूल आपको लेकर जाने जाना है और साथ में शिवलिंग पर चढ़ी हुई पांच बेलपत्र या नई ताज़ा बेलपत्र आपको प्राप्त हो जाए तो वह लेकर चले जाए अब आपको लाल चंदन मिल जाए तो अति उत्तम है नहीं तो आप पीला चंदन भी उपाय करने के लिए ले सकते हैं गुरुजी ने लाल चंदन कहा है मिल जाए तो श्रेष्ठ है परंतु कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति उपाय करते हैं उनके पास ऐसी संभावना कम होती है तो ऐसी स्थिति में पीला चंदन तो ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है सबसे पहले शहद मिश्रित जो जल है वह शिवलिंग पर संपूर्ण समर्पण की भावना से आपको चलाना है उसके बाद एक गोलबत्ती का घी का दीपक माँ गौरा का स्मरण करते हुए और आवश्यक रूप से महादेव का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर देना है अपना नाम गोत्र बोलना है उपाय करते हुए और जो कष्ट पीड़ा है जो मनोकामना है वह भी आपको बोलनी है गुरु जी कहते हैं सबसे पहले एक बेलपत्र में आपको ओम बनाना है कहाँ पर बनाना है ध्यान से देखिए जो तीनों पत्तियाँ हैं अर्थात जो पाँचों बेलपत्र हैं उनकी तीनों पत्तियां में सुंदर भाव से अपने चंदन से ओम बनाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है ना आप सभी को वह बेलपत्र और लाल फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देना है मंगला गौरी व्रत के दिन अगर आप सभी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर गुरुजी कहते हैं बेलपत्र और लाल फूल समर्पित कर देते हैं तो भाग्य खुल जाते हैं क्योंकि माँ को जो है जब माता अशोक सुंदरी का विवाह हुआ था तब महादेव कहते हैं कि आपकी माँ गौरी से कहते हैं कि आपकी बेटी अर्थात हम दोनों की बेटी में कोई दुख नहीं आएगा जब भी इस संसार में किसी भी व्यक्ति किसी बहन बेटी की आंख में आंसू आएंगे तब यह प्रयोग करेंगे तो उसके जीवन में सौभाग्य होगा और सभी सुख से मिल जाएंगे तो आप सभी को लाल फूल और बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले चंदन में लिखी हुई ध्यान रखिएगा समर्पित करनी है उसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है वह गणेश जी के स्थान पर ओम लिखना है इस बात का ध्यान रखें चंदन से गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है तीसरी श्री कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर समर्पित करें चौथी बेलपत्र जो माता रानी का हस्त कमल है उस स्थान पर आपको समर्पित करनी है अंतिम बची हुई जो बेलपत्र है वह महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है इस तरह पाँच बेलपत्र एक लाल फूल और शहद मिले हुए चंदन शहद मिले हुए जल के लोटे का उपाय जो कि मंगला गौरी व्रत के दिन कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं उसके परिवार में परिवार में आने वाली जो दुख दरिद्रता है मांगलिक दोष से संबंधित परेशानी है उसके कष्ट कट जाते हैं ध्यान रहे नाम गोत्र बोले अपनी मनोकामना बोले झोली पसार कर अपने कष्ट बोले पीड़ा बोले आपके समस्याओं का निदान निश्चित रूप से विश्वास से करेंगे तो हो ही जाएगा तो करके देखिएगा लाभ मिलेगा बरकत होगी परिवार में खुशियाँ हर स्वरूप में आना आरंभ हो जाएंगी तो हमने बात की सरल से प्रथम उपाय की बढ़ते हैं दूसरे एक अन्य सरल से उपाय की तरफ कोई भी प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित पूछ लीजिएगा आपका अपना चैनल है गलत ना करें सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा दूसरा उपाय बहुत सरल है यह है उपाय है लौंग का जैसे कि मंगला गौरी व्रत है और मांगलिक दोष दोष, राहु शनि और जीवन में आने वाली विपदाओं को दूर करने के लिए यह दिन माना जाता है तो आप सभी को उपाय करने के लिए अपनी पूजा की थाली में रख लेना है लौंग लौंग की संख्या गुरु जी कहते हैं आपको सात रखनी है और अवधुतेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है सात लौंग रखनी है अवधुतेश्वर महादेव का नाम लेना है और शहद रखना है पूजा की थाली में सबसे पहले आप सभी इस उपाय को करने के लिए भी एक लाल फूल लीजिएगा गुरु जी कहते हैं आप सभी को यह लाल फूल लेकर चले जाना है शिव मंदिर सबसे पहले आप सभी को जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाना है और चौमुखा दीपक जिसकी चार बत्तियाँ हों वह मंदिर में ही दीपक पड़ा होगा उसको साफ़ कर लीजिए उसमें चार बत्तियाँ रख लीजिए सबसे पहले जल चढ़ाएँ उसके बाद दीपक लगाएँ चौमुखा दीपक अब जो लाल फूल लेकर गए हैं उसे माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराना है माता रानी का जो हस्त कमल है उस स्थान पर स्पर्श कराना है और अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है साथ के साथ जो आप शहद लेकर गए हैं कटोरी में उसमें आपको सातों लौंग सबसे पहले तो सातों लौंग अपने हाथ की मुट्ठी में रखिएगा अपने ऊपर से उसे उतारिएगा और शिवलिंग पर शहद में डुबाकर आपको समर्पित कर देना है कहा जाता है अवधुतेश्वर महादेव का नाम लेकर सात लौंग जो अपने ऊपर से उतार कर शहद में डुबा कर शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसके रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है तो कितना सरल उपाय है दो एक लाल फूल और जो है बेलपत्र का शहद और लौंग का बहुत सरल उपाय है आप सभी को प्रयत्न करना है यह उतारे वाला उपाय भी आप कर लीजिएगा रोग कष्ट संकट पीड़ा मांगलिक पितृदोष इत्यादि की समस्या चल रही है तो उनका भी निदान हो जाएगा दो उपाय हमने जान लिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ जैसा कि इस दिन माँ गौरी के मंदिर में हरी चूड़ियाँ मेहंदी बिंदी सुहाग सामग्री हरे रंग की कोई भी वस्तु समर्पित करना अहोभाग्य करता है कष्ट काट देता है दुख काटता है और हर एक तरह की समस्या का निदान करता है महिला हो या पुरुष इस सावन महीने में मां मंगला गौरी को या महादेव के मंदिर में जिस भी स्वरूप में माँ पार्वती माँ मंगला गौरी विराजमान हो वहाँ जाकर अगर आप हरी चूड़ियाँ समर्पित कर देते हैं हरे रंग के वस्त्र समर्पित कर देते हैं तो लाभ मिलता है कुछ नहीं कर सकते तो घर के मंदिर में माँ मंगला गौरी के नाम का एक दीपक तो कम से कम लगाइएगा भाग्य खुल जाएंगे जो कष्ट संकट पीड़ा है उसका निदान होना है सावन का महीना चमत्कारी है भाग्य बदलता है संकट काटता है दुख दरिद्रता का अंत होता है, जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं कष्ट पा रहे हैं अनगिनत परेशानियां जीवन में हो गई है मांगलिक दोष हो गया है बच्चों के विवाह की, विवा की अड़चन हो गई है तो आप सभी को मंगला गौरी व्रत के दिन यह कार्य करना चाहिए साथ ही हनुमान जी महाराज का दिन होने के कारण हनुमान जी के मंदिर में भी दीपक लगाएं भाग्य